अस्सलामु अलैकुम। असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको अपने किचन में बहुत ही टेस्टी और यमी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। आज हम लक्ष्मी चौक की कढ़ाई बना रहे हैं, लाहौर की फेमस कढ़ाई बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और यमी। आज बारिश के हवाले से मैंने सोचा आपको आज मैं चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊँ, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। उसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है, उससे पहले अज्जा देखने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो फ्रेंड्स मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं और वो मेरे चैनल को बहुत शौक से देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। 1 kg के करीब मैंने चिकन ले लिया है। चिकन मैंने कढ़ाई चिकन के बनवाया, कढ़ाई चिकन लिया है। ये 4 teaspoon के करीब, आधे कप के करीब दही है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, ये मेरे फ्रीज़र के अंदर रखे हुए थे टमाटर, इसका मैंने छिलका उतार लिया टमाटरों का और इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया। 4 teaspoon भर के हाफ़ कप के करीब हम ऑयल लेंगे। 2 teaspoon लहसुन का पेस्ट है, 2 teaspoon हरी मिर्चों का पेस्ट है, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर है, 1 teaspoon मैंने नमक लिया है, 2 teaspoon भर के अदरक का पेस्ट लिया है, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर है, 1 teaspoon हल्दी है, 1/2 teaspoon मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon ज़ीरा भुना हुआ लिया है, 1 teaspoon भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 2 अदद प्याज स्लाइस में कटे हुए लिए हैं, 1/2 गड्ढी मैंने हरे धनिए के लिए, थोड़ा सा अदरक का मैंने पीस लेके उसको मैंने बारीक स्लाइस में कटा हुआ ले लिए, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लिए। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 1/2 teaspoon नमक शामिल कर दूँगी, 1/2 इसी में रहने देंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। बड़ी टेस्टी और यमी कढ़ाई बनने वाली है ये। हल्दी में 1/2 इसमें डाल दूंगी, 1/2 मैं इसमें डालूंगी मसाले में। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। मसाले को मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें मैं चिकन धुला हुआ शामिल करूंगी और चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूंगी, जब तक हम इसका कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। ये हम इसी तरह रख देंगे 15 मिनट के लिए। एक पैन में मैंने प्याज शामिल किए और 1/2 कप ऑयल का शामिल कर दिए। अच्छी कढ़ाई बनानी है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोगों की कढ़ाई में कोई चीज़ मिस ना हो सके। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप कढ़ाई बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, ये देखिए इस तरह का प्याज हमने रखना है। और अब हम इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे, लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाह, अदरक कुटा हुआ मिक्स करेंगे, और ये टमाटर, बिस्मिल्लाह। मसाले जो हम शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कचावा नमक, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे मसाले को। ये देखिए कितना यमी सा मसाला तैयार हो गया है। मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब ये जो मैंने चिकन को रखा था 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए, 15 मिनट में हमारा मसाला तैयार हुआ है। ये चिकन जो रखा हुआ था ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखो
मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और इसको अब मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए ढक के रखूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। स्लो फ्लेम पे मैंने रख दिया इसको, चिकन को 15 मिनट हो गए हैं और चिकन देखें हमारी कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त और प्यारी सी रंगत आई है ये देखें, और चिकन जो है गल चुका है। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे बिस्मिल्लाह। नान के साथ कढ़ाई ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। अदरक कटा हुआ डालेंगे, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्चें चाप करके शामिल कर देंगे, और इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर रखा था वो एंड में शामिल करेंगे। इसमें कढ़ाई हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।